बिहे कहिले गर्ने गाइज? म बिहे कस्तो कुरा हुन्छ यार, बिहे त गर्नु के थियो होइन, अहिले पनि गरिदिन्छु गर्नु त, तर अहिले गर्नु र अलिकति एक दुई वर्ष पछि गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ कि, त्यही भएर अहिले गऱ्यो भने होइन, अहिले गऱ्यो भने अलिकति मेरो प्लान जिन्दगीहरू छ, अलिकति अहिले चलिरहेछ होइन, जिन्दगीमा धेरै कुराहरू गराएको छु, सँगसँगै बाहिर टिकटक दि बाहिर पनि मैले धेरै कामहरू गराउँछु, यतातिर गरिरहेको छु होइन। 13,000 सोच्नु चले भाइ जहिले पनि लाइफ मिस गर्छ यतातिर, अन्त त्यो मैले मिस आफ्नो कारणले गरेको हुन्न होइन, धेरै लाइक धेरै कुराहरूमा चाहिँ लाइक त्यही आफ्नो कामहरूले गर्दा यताउति म इन्भल्भ भइरहन्छु, अनि त्यही कारणले गर्दा नि म आउन सकिरहेको हुन्न लाइभहरू। अनि अहिले गऱ्यो भने त्यही हो कि अब अलिकति म टाइम दिन सक्दिनँ, फेरि अब अलिकति पछि गरेपछि मैले खोजेको ठ्याक्कै टाइम अनुसार गरेपछि उसलाई मैले टाइम सँगसँगै खुसीदेखि लिएर उसले चाहेको सबै कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू भरिपूर्ण म दिन सक्छु, तर अहिले अहिले गऱ्यो भने त्यही हो कि टाइम दिन सक्छु, न उसले भने जस्तो चिजहरू दिन सक्छु, न मैले केही गर्न सक्छु, त्यही हो यार। मेरे को ये कुरा पूरा चाहिँ। समझ ही नहीं आ रहा, कुछ कुछ समझ आ रहा है बस। भाइ पढाइको नि मेरो ब्याचलर सक्यो, ब्याचलर सकेर यत्तिकै हो गए भर्खरै थे कंप्लीट बसिरह, बैचलर्स। अब ब्याचलर पछि म मास्टर जोइन गरौँ भनेर सोचिरहेको छु होइन, तर म गरौँ त्यही गरौँ कता त यार, अब दुईजना गएर पढ्ने कुरा त भएन, त्यहाँको महँगाई फेरि, ब्याचलर्स गरेपछि पढ्नु नि पऱ्यो होइन, ब्याचलर भनेको त यताउति कुरा नि होइन, फेरि एक ब्याचलर के अरे मास्टर्स गर्ने भयो त पढ्नु नि पऱ्यो अलिकति मजाले, लेट्स सी के हुन्छ, पढाइ चाहिँ राखिरहनु हो पर्छ। जाएगा हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों, आज आज कल कल आज कल बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों, आज नाइस कल यार। आज कल आंखें मेरी हर जगह, या ये खाट में बसता से मेरे ढार दुखे हुए था यार, अलग सोफा तीर जान पड़े। कोई नहीं, सोफे पे बैठो। ढूंढे तुझे बेवजह, यस अब सही है ना, थोड़ी सी इतना लाइट तो नहीं आएगी इधर, ठीक है, पर बस बैठने के लिए। बहुत है, इतनी अय्या हमारे लिए बहुत है। आई एम ए बिग फैन ऑफ यू, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम भूटान, ओके थैंक यू सो मच दीदी। भूटान से तो बहुत प्यार मिलता है ना आयुषली से को। आपके बर्थडे का क्या प्लान है जीजू रे? मेरी बर्थडे का क्या प्लान होगा, मेरा तो मुझे तो मतलब बर्थडे बर्थडे मनाने की दिल ही नहीं करती, लाइक मैंने जो पिछले साल बर्थडे बनाई थी, जो लास्ट बर्थडे थी मेरी, वो भी मतलब आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब एज एंड एज, बहुत नहीं, जब आपकी काफ़ी साल के गर्लफ्रेंड बाद होती बर्थडे है, मनाया था आपकी मैंने। वाइफ फियोंसे होती है, फिर तो आपको बर्थडे मनाना पड़ेगा, बिकॉज़ वो बहुत एक्साइटेड होती है आपके बर्थडे के लिए। वो बहुत अच्छे से इतनी अच्छी सेलिब्रेट करती तरीके है, से लड़कों पहले को पहले ही भी मजा बनाते थे हम, आएगा। नॉर्मल सी बनाते थे, पर जो लास्ट टाइम की थी बर्थडे वो वाली थी, मतलब आज जी के साथ इट वाज लाइक थोड़ी सी अच्छी वाली, तो मतलब इतना मुझे खास तो बर्थडे बर्थडे बनाना इधर उधर करना तो वो तो नहीं। ए अल जी की बर्थडे यार, अल जी की बर्थडे की बात कर रहा हूँ मैं, इधर अपनी बर्थडे की तारीफ मतलब करते जा रहा हूँ, तो अच्छी तरीके से बताइए ना कि अल जी की बर्थडे की क्या प्लान है, ये वो बोल के यार आप तो यार बात ही मतलब आधे अधूरे कर देते, उसके बाद मैं फंस जाता हूँ, अजीब नॉटी। अजीब यार, अलजी की बर्थडे की प्लान अब देखते गए यार, अभी से ही मैं बता तो नहीं सकता, लेट से क्या होगी। कुछ तो बताओ यार, अच्छा प्लान करना कुछ तो। हंसो हंसो तो ये तो सही में फनी हो जाता ना, किसी और के बारे में पूछ रहे हो और इंसान खुद के बारे में ये बताने लग जाए तो। आई सेड अप्पी 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 अप्पी,
आप, मुझे लगा कि आप की जैसे लगा मुझे तो, व्हाट टू अच्छा डू। निषेध आईपी। ओके ओके ओके। अब मैं उसको आईपी नहीं बोलता ना यार, मैं तो उसको मेरी ये तो बीबी मोए बोलता मोए हूँ, वाली मूवमेंट होगी ना। मेरी जानू जान बोलता हूँ। तो ये पूछा करो, आपकी जान के बर्थडे का क्या प्लान है लास्ट आपका? ईयर गुजस्ते की सरप्राइज सब्जेक्ट था वाला गाइस रे, है ना उसकी ऐसे सोचे है ना दीदी माल तो तेरे एक प्रयास से था झंझट पहलान सा जिंदगी। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता अजीब है तो। मतलब पता नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है क्या, ठीक है, लाइक व्हेन डिड यू फेल लव विथ अलीज़े, लाइक वो स्पेसिफिक एक दिन नहीं होती जिस दिन मतलब तुम उसको प्यार करने लग जाओ, ठीक है, मतलब प्यार ऐसी चीज होती है कि एक बार किसी के साथ थोड़ी सी दिल लगी तो उसके बाद धीरे धीरे से बढ़ती जाती है और कब प्यार हो गई पता ही नहीं चलती, और मुझे वही हुई है। तो मुझे मतलब ऐसे स्पेसिफिक कोई मतलब डेट कब कैसे आओ वो कैसे प्यार हो गई कैसे प्यार बैठ गई ये तो कुछ पता नहीं, पर बस आई कैन टेल यू सम स्टोरीज बताओ कि बताओ। इस तरीके से ऐसे बात करते थे, ऐसे बात करते करते उसकी मतलब ऐसे ऐसे चीजें मुझे नोटिस होने लगी एंड ऑल दिस थिंग्स, ऐसी चीजों से मतलब वो लगाव बढ़ चीजें गया। तो बताओ। तो कब कैसे आओ किस दिन, तो ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं है फिलहाल, बस नॉर्मल गाइस जिसको बट 3 मिलियन लाइक्स यार, और इतनी 3 मिलियन लाइक सुना नहीं आज कितने सारा जमा 100K only, 100K भी नहीं है, बस 60K बाकी है फॉर 3 मिलियन लाइक्स। लेट्स गो पुश, लेट्स गो पुश करते हैं पहले पल। किससे सुनाओ यार? अरे क्या डाल रहे हो मुंह में, कट जाएगा। खाने की चीज़ थी क्या? सुबह सुबह ब्लॉग आ जाएगी, ठीक है गाइस, सुबह की शार्प मॉर्निंग हमारी 8 बजे नेपाली टाइम की। भाई यू हैव टू सेव दुबई एंड स्टार्ट योर ओन वर्क फॉर बेटर एंड सिक्योर फ्यूचर, है ना, लाइक शिफ्ट हुनु है ना, लाइक हो ठिक हो एउटा हिसाबमा कुरा, तर हामी जस्तोलाई सिफ्ट हुनु त्यही गाह्रो छ त्यहाँ, होइन लाइक एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीदेखि होइन दुबईमा गएर सिफ्ट हुनु एन्ड एभ्रिथिङ, यताउति एउटा अपार्टमेन्ट लिनुमा लाइक एउटा रुम लिनु अनि रुमको रेन्ट तिर्नु साथै साथ त्यहाँ काम गर्नु नयाँ ठाउँ होइन सबै कुरा अलिकति गाह्रो छ होइन, भन्दाखेरि चाहिँ लाइक स्ट्रगल हो, स्ट्रगल चाहिँ गर्नुपर्छ होइन, तर त्यहाँ स्ट्रगल भन्नाले नि मनी धेरै चल्छ कि, अनि मनी लाइक दुबई भनेको यस्तो कन्ट्री भन्दा चाहिँ स्ट्रगलको साथसाथ हजुर त्यहाँ आफ्नै केही गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पहिलेदेखि त्यो हजुरसँग चाहिँ अलिकति आफ्नो एउटा ब्याकअप सँगैसँगै होइन आफ्नो एउटा अमाउन्ट पनि हुनुपर्छ ब्याङ्कमा, त्यो स्टेजमा त म पुगेँ होइन, लाइक जब करेंगे अच्छे से करेंगे धीरे धीरे से करेंगे, दुबई जाके सेटल होनी है ऐसी बात नहीं है, लाइक सेटल होने के लिए तो कोई नहीं यार, सेटल हो जाएंगे जाके बैठेंगे उधर अपार्टमेंट या रूम ले लेंगे कोई काम करना शुरू कर देंगे, पर बस मैं मतलब वही है कि अब कुछ और चाह मतलब मेरी दिल के अंदर कुछ और बात भी हो सकती है, ठीक है, कि मैं नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे इस तरीके से ये करना है और उसमें ज़्यादा स्ट्रगल करनी है और ये मेरी फील्ड है और मुझे इसमें ज़्यादा अपनी स्ट्रगल करके इसमें अपनी फ्यूचर को सिक्योर करनी है, ये भी थिंकिंग हो सकती है मेरी, तो आप आपकी मतलब सबकी आप अपनी मर्जी होती है, आप अपनी थिंकिंग होती है, ठीक है, पर मेरी मैं मतलब इस तरीके से सोचता हूँ, अब अगर मैं अगर मेरी मतलब लाइक अच्छी मैं अच्छे मतलब लाइक होते ना फाइनेंशियली अच्छा एक बैकग्राउंड से होता तो डेफिनेटली मैं मतलब कब का सेटल हो जाता दुबई, दुबई के यार नेपाल में ही मतलब कितना वो क्या क्या कर लेता, पर वही है कि सबके पास एक ही किस्मत नहीं होती, तो सबके पास तीन तीन मतलब दिन की तीन वो निवाले नहीं मिलती सबको, वही है बात, तो दुबई तो बहुत डिफिकल्ट है लाइक बहुत ही, लेकिन करने में तो कोई नहीं, पर वही है कि थोड़ी सी खुद की सब कुछ बैलेंस करके चलनी पड़ती है ना, तो
उसी चीज़ में थोड़ी सी मुश्किल है, नहीं तो इट्स फाइन। लाइक ज़िंदगी तो जहाँ बैठ के भी शेयर कर सकते हैं, स्पेसिफिक वही कंट्री जाके शेयर होगी, ये कहीं नहीं लिखा। नेपाल में भी बस अपने अपने आप को भरोसे करो, अपने आप को भरोसा करो, अपनी मेहनत करो, डिस्ट्रैक्ट ना हो आजू बाजू इधर उधर, दूसरे की ज़्यादा मत सुनो जो कान भरते, बस राह लो और जो ठीक लगे करो, बस ये चीज़ है अपने लाइफ से कर करनी है, अपनी फ्यूचर अच्छी करनी है तो ज़िंदगी में बस यूके जाके, दुबई जाके, यूएस जाके, इसे खेल होगी उधर ही ज़िंदगी, कहीं नहीं लिखा है, सबकी अपनी मर्जी है, ठीक है? तो इट्स अपन यू कि आप कैसे करते हो, किस तरीके से आपके अंदर कितना, मतलब वो जज्बात जुनून बोलते हैं ना, वो कितना है। इंशाल्लाह सुन यू विल डिजर्व मच मोर एंड अलर्ट। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। इतनी कम एज में, मैं तो ये सोचती हूँ आयुष की एज इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी कम एज में इतनी मैच्योरिटी आना, इट्स अमेजिंग। अपने प्ले करते गए, जरा प्ले नहीं करेंगे, ओके? जस्ट आज के लिए इतना ही। यू आर डूइंग गुड एंड यू विल डू गुड इन फ्यूचर भाई। थैंक यू सो मच सपना दीदी। भाई कपल लाओ भाई छा, अरे यस भाई छ, म काठमाडौँ गएको होइन नि, काठमाडौँ गएपछि मात्रै काट्छौ सिधै, अब कति 2-3 दिन त नि, 2 दिनसम्म, 2 दिनपछि पो काठमाडौँ पुगिसक्छु, यहाँदेखि धनगढी 1 दिन पुगि भइहाल्यो भएन, बेलुकासम्म पुगिन्छ हामी धनगढी, अनि धनगढी फेरि अर्कै दिनको होइन, धनगढी पुगेको ठ्याक्कै त्यसको अघिल्लो दिन बिहानको 5-6 बजेतिर काठमाडौँतर्फ लाग्छौँ, अनि हामी बेलुकासम्म त पुगिहाल्छौँ होइन काठमाडौँ, के हो होइन बिहान 5 बजी हिँडेर धनगढीदेखि काठमाडौँ पुगिहालिन्छ नि, इट्स अल अबाउट डेस्टिनी वेयर यु क्यान गेट सक्सेस फर फ्युचर, इट्स अल अबाउट डेस्टिनी वेयर यु क्यान गेट सक्सेस फर फ्युचर। सच में बहुत मैटर करती है, कई बार बंदा इतना स्ट्रगल कर रहा होता है, इतनी मेहनत कर रहा होता है, फिर भी वो चीज नहीं मिलती, तो उसमें किस्मत का और लक का थोड़ा सा हाथ होता है। मरम ना डेस्टिनी पर सब कुछ किस्मत नहीं होती, लेकिन किस्मत भी जरूरी होती है थोड़ी बहुत ही, सही दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क का भी किस्मत का, तब एक बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। अब जानु पर्छ क्या, ब्लग्स पनि एडिट गर्नु पर्यो होइन, ब्लग्स लग नि दाउती यस्तो यार लास्टै क्या, आजकल खै के भएको है, डेन्जर पानी पर्ने भइरहेको क्या, अलिकति त्यो मतलब पानी पर्ने थियो नि बत्ती जाने, अनि त्यसपछि झन्न के अरे इन्भर्टर छ, अनि त्यो इन्भर्टरले जे काम त्यो गर्छ, 1-2 दिन त मजाले गर्दो रहेछ, हामीले मजाले पङ्खा चलायौँ दिनभरि, मजाले चार्ज सार्ज लगायौँ जतिखेर नि यता लाइट साइट चलाए के अरे बाल्थ्यौँ, त्यसपछि 3 दिन भइसक्यो लास्ट, त्यो 3 दिनको दिनमा लाइटै आएन 3 दिनसम्म, हेर्छु त अब इन्भर्टर पनि त्यो ब्याकअपमा जाँदो रहेछ, अनि ब्याकअपको पनि चार्ज सकिन लगाइसकेको, त्यसरी झन् लगाएर सक्यो इन्भर्टरको चार्ज पनि, त्यसरी गयो एनी इन्स्टा रिल सुन, ओके ओके ओके, इन्स्टा रिल पनि नहालेको धेरै भइसक्यो है, सुन 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 वन थिङ यू लाइक अबाउट, ऊ गरेर चिख्ती हेर गरेर
त्यो पावा जसरी कुराहरू क्या, जब हुन्छ नि मान्छेको दिमाग खराब भइरहेको हुन्छ होइन केही कुरा, ऊ लाइक त्यो कुरा बुझाउनु चाहिँ आउनु है, अब केटी मान्छे हो होइन त्यस्तै त नि पुरै यस्तो। फेरि मलाई त्यो हुन्छ नि त्यो, म फेरि कस्तो लाग्यो भने शान्त चाहिन्छ है मलाई चाहिँ, केही कामहरू गर्दाखेर आफ्नो कामहरू गर्दाखेरि केही सोच्दाखेर सबै कुरा लाइक, मलाई त अलिकति पिस खोज्ने मान्छे हो ऊ चाहिँ, फेरि अति नै त्यो आउ होइन कस गरेर तपाईँ नै गरेर नै गर यति नर्मली भन्ने कुरा नि यस्तो चिलाएर भनिदिन्छ अनि दिमाग झनक्क हुन्छ एकछिन, अन्तखेरि कि त फोन फुट्छ कि त आफ्नो हात मर्किन्छ कि त सुनिन्छ हात कि त यताउति के हुन्छ, झगडा परेको बेला अरू बेला त नर्मल त हुन्न जस कहिले काहीँ मतलब जब मैले उसलाई केही कुरा बुझाइरहेको छु नि होइन, लाइक उसले नबुझेको कुरा हुन्छ नि त, ऊ पनि कहाँ अब एकदम बुद्धिमान मान्छे हो त होइन, मान्छे अब सानो ठुलो जोसुकै होस् होइन, अलिकति कसरी केही सानो सानो गल्ती पनि गर्न सक्छ कहिले काहीँ, यता नबुझेको कुरा पनि हुनसक्छ, अब त्यस्तै चाहिँ कुराहरू मैले उसलाई बुझाउनु खोज्दाखेर कुरै सुन्न मान्दैन, अनि उसलाई बुझाइसकेपछि नि उसले सुन्छ त्यही नै बुझ्दैन, अनि फेरि उसले बुझिसकेपछि नि त्यही नै चिल्लाउँछ, अनि त्यसै मान्छेको दिमागमा करेन्ट लाग्दैन भने यार कति बुझाउनु कति एउटै कुरा बारम्बार कति भन्नु जस्तो हुन्छ नि, बुझाउँदा नि बुझ्न खोज्दैन, बुझेर नि नबुझे जस्तो गरिदिन्छ, अनि मान्छे नि पागल भइहाल्छ नि, हामी केटी यस्तै हो त्यस्तो लाग्छ मलाई, त्यही हो म नि बुझ्दैछु बिस्तारै बिस्तारै। लेडिज प्रब्लम हो त्यो त साँच्चै त्यस्तै हुँदो रहेछ क्या, यु हेभ टु प्याम्पर अरे, त्यही त अति नै अति नै क्या, अति नै प्याम्पर मात्रै हो र भने अति नै क्या, धेरै नै लाडली प्यारी बनाउँदै, पहिला त पापा कि प्यारी हुन्थ्यो, अब त मतलब हस्बेन्डका प्यारी, पापा कि प्यारीबाट हस्बेन्ड कि प्यारी त्यस्तो बनाउनु पर्दो रहेछ कि, फेरि झगडा भयो कि क्या हो रे, किन झगडा हुनु अब छैन त्यस्तो, बुढो कि प्यारी बिहे नगर्दासम्म त पापा कि प्यारी त्यसपछि बुढो कि प्यारी, पापा की तो परी भी होता है, सुना है आपने ये जो बहुत चलता है लड़कियों में पापा की परी अब आई विश की प्यारी लड़कियों को आप कितना ही पैम्पर कर लो उनको कम ही लगता है, उनको ये होता है बस दिन रात पूरे जन्म तक यस्तो बेला चुप लाएर बस्नुपर्छ भाइ, अलिक पछि कुरा गर्ने हो नि रे, हो दाइ हो त्यो पनि हो, त्यो पनि एउटा ठिक कुरा हो, चुप लाएर बसेपछि झन् अनि माथि टाउकोमा चढ्न आइहाल्छ, अब नचुप लाएर बस्यो भने झन् पेलम्पल भइहाल्छ, के गर्ने के गर्ने, म त दुईपट्टिबाटै फस्छु कि, सी लभ सिला एकदम एकदम यस वी डु होइन एकअर्कालाई एकदम पछि चिन्टु के प्यारी दिल गाह्रो छ भाइ हामीलाई एकदमै दाइ एकदमै You are the one with whom we are satisfying our desire to give happiness to needed ones, always proud. Thank you so much, Adi Gurungji. Thank you so much, Adi Gurungji.
पर्सी क्या भाई, मुस्कुराए रा भाला न मात्र आगर्सु। इलेवन 27 भइसक्यो यार गाइज, अब जानु पऱ्यो कि ठिकै ओके जल्दी चाहिँ। हजुर बुवा भ्लग कहिले आउँछ अरे? आई विल ट्राई टुमारो ओके टु मेक इट, कल 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 ओके कल कल ट्राई करते, लेट्स ट्राई कल, वो रिक्रिएशन भोलि वाला हेरौँ कॉलेज होइन। गई थी वही अनि वाला भोलि गर्न खोज्छु नि म, पर्सि आउँछ कल कल सुबह, मतलब दुसरी ब्लग आएगी ओके। आप लोग स्टे ट्यून सबजना है ता। यार, वो वाला ब्लॉग देखने के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो पनिशमेंट वाला जो अलीजे ने दिया था और आयुष ने चूज करी थी कि उनके हजूर क्या थे, हजूर बाबा हजूर बुआ क्या थे पता नहीं, कि उनका वो रिक्रिएट करने वाले थे। कमेंट करके बताना क्या बोलते, मुझे नहीं पता। वो रिक्रिएट करने वाले थे, वो देख के बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस व्लॉग के लिए। दूसरी चीज यार, लड़कियां ना लाउड होती हैं ठीक है, लेकिन लड़कियों को प्यार भी बहुत चाहिए होता है। वो आपको करती भी बहुत है और उनको चाहिए होता है। मतलब अगर हम गुस्सा भी करें, हम नाराज भी हो, तो मनाओ। अगर 10 बार मनाने पे भी ना माने तो 11वीं बार भी मनाओ, पर मनाओ। समझ रहे हो? तो लड़कियां ऐसी होती हैं। और ये एक लड़की की बात नहीं, मोस्टली लड़कियां ऐसी ही होती हैं। और जो दुबई सेटल होने वाली बात थी, वो भी आयुष की, मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत मैच्योरिटी वाली बात है। आप सेटल कहीं भी किसी भी देश में हो सकते हो। आयुष नेपाल में भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे लेवल पे सेटल हो सकता है। और यू नो, अपना देश तो अपना ही होता है, उससे प्यार लगाओ, वो अपनापन, वो किसी और देश में आपको इतने अच्छे से फील नहीं होता। यहाँ अपने लोग होते हैं, कुछ भी सिचुएशन आ जाए अपने लोग साथ खड़े होते, सारी चीजें होती हैं। तो आप कहीं भी सेटल हो सकते हो, वो आयुष की मर्जी है। वो दुबई जाए या नेपाल में सेटल हो, या दोनों जगह पे सेटल हो, वो कंप्लीटली अप टू हिम। और आज अलीजे क्यों नहीं आई यार? अलीजे आती, आयुष नहीं आता। मतलब कुछ रीजन हो जाते, लाइट नहीं आती है, ऐसा कुछ। आयुष आता है तो अलीजे नहीं आ पाती, ये क्या चल रहा है? हमें दोनों को साथ देखना है। और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।